अगर ये बातें राजनीतिक होती, अगर आपकी घोटाला नहीं किया होता, अगर संजय सिंह ने पैसे नहीं लिए होते, अगर मनीष सिसोदिया इस शराब घोटाले की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड नहीं होते और वो इसमें शामिल नहीं होते, तो ऐसे झूठ मूठ आपकी जमानत भी हो सकती थी। लेकिन वो शामिल है, इसीलिए कोर्ट के पास, आपके पास सबूत नहीं है कोर्ट को देने के लिए, इसीलिए उनकी जमानत नहीं हो रही। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये लड़ाई शुरू की थी, आपको ध्यान होगा हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं और पार्टी के नेता बैठे हैं, जिस समय शराब घोटाले पर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन को बढ़ाने के लिए। आप सब कार्यकर्ताओं ने उसमें साथ और सहयोग किया था और हमने शराब के अवैध ठेके बंद कराए थे, जिसका आगाज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे मिला था, उसका समापन मेरे छोटे भाई वीरेंद्र सचदेवा को ये समापन करने की जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसके गवाह बन रहे हैं। मुझे ध्यान है जिस समय हमने आंदोलन शुरू किया था, उस समय लोग कह रहे थे अरे दिल्ली में शराब का कोई मुद्दा नहीं है, दिल्ली में हम शराब के खिलाफ कैसे आंदोलन करेंगे। मैंने कहा था आज दिल्ली के अंदर अगर कोई ऐसा परिवार भी है जिसके अंदर शराब पी जाती है, वो भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा शराब पिए, वो भी मां नहीं चाहती बेटा शराब पिए, वो पिता नहीं चाहता बेटा शराब पिए और शराब पीकर अपनी जवानी खराब करे, अपना स्वास्थ्य खराब करे, अपनी आर्थिक स्थिति खराब करे, कोई नहीं चाहता। और उस आवाज को उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और आज परिणाम तक पहुंच रहे हैं, जब संजय और मनीष जेल में है और केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए वो भाग रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केजरीवाल सुन लो, पार्टी के कार्यक्रम में आपको जाना होगा, लेकिन जो आपने कर्म कांड किए हैं उसका भी जवाब, उसका भी जवाब केजरीवाल को, उसका भी जवाब केजरीवाल को, जवाब केजरीवाल को, जवाब। ये किसी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आपने कानून और संविधान की शपथ ली है, मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, तुमने तुम्हारी अगुवाई में घोटाला हुआ है शराब का घोटाला, और तो और हिंदुस्तान के इतिहास में ये नजीर पहली बनने वाली है। दोस्तों आपने सुना होगा ऐसी पार्टियां बनी और खत्म हो गई, एक असमगढ़ परिषद थी, छात्र आंदोलन के नाम पे बनी थी और वहीं खत्म हो गई। ये दूसरी नजीर भ्रष्टाचार के मामले में पहली नजीर बनने वाली है, पहला उदाहरण जब देश के इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल पूरा का पूरा करप्ट है, भ्रष्ट है और इस शराब घोटाले में लिप्त है, ये साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने लिया है पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। इसलिए दोस्तों ये आंदोलन हमारा परिणति पर परिणाम तक पहुंचने वाला है, केजरीवाल को सच बोलना पड़ेगा।